यह है हमारे सुबह 6 बजे के दृश्य। सुबह सुबह पानी गर्म करने के लिए गीजर स्टार्ट कर दिया है हमारा, पहाड़ी गीजर है ना, देख। और अब उठाते हैं इसको हम। दोपहर के खाने का समय और खाने में बना है भात और झोई, कड़ी चावल, झोई भात। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे ब्रांड न्यू ब्लॉग में। सुबह के 6 बजे हम आ चुके हैं आपके पास और सुबह के 6 बजे का मौसम आप देख सकते हैं हमारे सामने है, हमारे चांद हमें दिखाई दे रहे हैं और जो ढलने जा रहे हैं। और पूरा मौसम अभी कोहरा, थोड़ा कोहरा नहीं है पर अभी थोड़ी देर में कोहरा ऐसा फैलेगा कि क्या बताया आपको। अभी धूप की हल्की किरण और कोहरा ऐसा फैल जाएगा पहाड़ों में, वो भी दिखाएंगे आपको। पर यह है हमारे सुबह 6 बजे के दृश्य जो हमने आपको दिखा दिखे हैं इस ब्लॉग में। सुबह सबसे पहले काम ये होता है कि भैंस का दूध निकालना ही, और वही काम आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले कि ऐसी दिनचर्या रहती है सुबह 6 बजे से हमारे घर वालों की, तो चलिए जो सबसे पहले काम है वही आपको दिखाते हैं, है ना जी। तो चलें हमारे कई और हमारे खरगोशों को भी ठंड लग रही है, तब एक साथ सब खड़े हो बैठे पड़े हैं, है ना। ये देखो, ये देखो, और इधर भी ऐसे थनों को साफ किया जाता है पहले, सब गोबर लदा कचार इसे धोना पड़नी, थोड़ा सा पहले साफ करना पड़नी। सबसे पहले थन की सफाई करते हैं जिससे कि जो गंदगी उस पर रहती है वो साफ हो जाए, दूध में ना आए। और हमारी मुन्नी हमें भी देख रही है क्योंकि मैं आज नया नया हूँ तो हाथ देख रही है कि क्यों आया है करके। और शुरू हो चुका है अब दूध निकालना। वो देखो मुझे देखे हुए है उन्हें रहा मैं पिया हूँ मुझे के पिया हूँ तो ये देख। सुबह सुबह एक रोटी इसके खाई जाती है डेली, क्योंकि रात भर जब तक हम सोते रहते हैं तब तक ये भूखी रहती है। और सुबह सुबह जब दिन में हम उठ सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो इसको घास भी देनी जरूरी है, है ना, है ना कई, है ना कई। और ये सुबह सुबह पानी गर्म करने के लिए गीजर स्टार्ट कर दिया है हमारा, पहाड़ी गीजर है ना, देख सकते हैं पानी गर्म होते रहता है इसमें। ये अब सुबह से शाम तक ऐसे ही शाम तपता रहेगा, जलता रहेगा और पानी गर्म करता रहेगा जब तक। सामने आप देख सकते हैं हमारे चंदा मामा। अब हो चुका है भैंस को पशु आहार देने का समय, और जिसको हम पहाड़ी में खाने बोलते हैं क्योंकि खाने में मिक्स बहुत चीज़ होती है, आटा होता है, पशु आहार होता है और चीज़ें भी होती हैं। और हम लाते हैं मार्केट से पशु आहार, ये ऊर्जा वाला, देख सकते हैं आप, रिश्तों का अटूट आहार आधार ऊर्जा पशु आहार, देख सकते हैं इस टाइप से बना होता है। और इसमें हमने डाल दिया पशु आहार और आटा मिक्स करके अब इसे देंगे हम भैंस को, क्योंकि ठंड बहुत है इसीलिए गर्म पानी देते हैं अभी हम, मतलब गुनगुना पानी देते हैं जिससे कि ठंड उन्हें भी ठंडी ना लगे। और तो इसीलिए गर्म पानी दे रहे हैं मिक्स करके। और मम्मी दे रही है पशु आहार भैंस को, और देखो कितना खुश हो चुका है पशु आहार देख के, उसे पता है टाइम हो चुका है तो मिलेगा जरूर, है ना। अब ये खा रहा है, इसे खाने देते हैं और इसकी आगे की कार्रवाई हम आपको आगे दिखाते रहेंगे, ठीक है जी। तो चलें, भैंस को सुबह सुबह एक बार पानी जरूर पिलाया जाता है, जैसे कि अभी सर्दी चल रही है तो गुनगुना पानी जरूरी होता है, इसलिए गुनगुना पानी पिला के हमने इसे बाहर बांध दिया है। और ये कह रही मेरी वीडियो मत बनाओ, है ना, हाँ ना बोली देखो। और अभी खाना चढ़ रही है तो चढ़ने देते हैं, परेशान नहीं करते हैं। और इसे देखो, ओए एक कई, हमारे सूर्य देवता भी आ चुके हैं और धूप चारों तरफ खिला चुके हैं, है ना, तो इनको बाहर बांध दिया है, धूप ये धूप सेकते हैं और चारा भी चढ़ते हैं। और हम करते हैं अभी गोट की सफाई, यानी जो इन्होंने अपना मलहल निकाला है उसे हम साफ करेंगे, गोबर जिसे हम कहते हैं गोबर निकाला है उसे साफ करेंगे जो यहाँ पर है।
और ये इसे हम गोड़ कहते हैं, कोई से गौशाला कहते हैं, और हिंदी में गौशाला कहते हैं, हम इसे पहाड़ी में गोड़ बोल देते हैं, जहाँ वो रहते हैं भैंस, जहाँ रहती हैं रात को उसे गोड़ कहते हैं, और बाहर जहाँ पर रहती है दिन में उसे गुठार कहते हैं। दो वर्ड हैं अलग अलग। और अभी ये साफ करते हैं इनका गोबर, ठीक है जी। और ये खरगोश तो ऐसे रहते घूमते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। देखो एक बार ऐसा ये डिशे कहते हैं हम दाल, और हिंदी में दलिया, इसमें इकट्ठा कर लिया है हमने ये, और इसे उठा के ले चलते हैं बाहर जहाँ इसे फेंकना है। उठाओ, और इसको अब ले चलते हैं जहाँ इसको फेंकना है। पहाड़ों में रहना है तो हर काम करना पड़ता है ब्रू। और चल रहे पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर हम इन्हें इकट्ठा करते हैं, यानी यहाँ पर हम दो तरह से इकट्ठा करते हैं। एक जो होता है बकरी का गोबर होता है वो इकट्ठा करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी दीवार बनाते हैं भैंस के गोबर से, जिससे कि ये फैले ना और ये जगह पर इकट्ठा होते रहे। और इस टाइप से ऐसा ये फिर बाद में जब ये सड़ आता है और जैविक खाद बन जाती है, उसके बाद जब सड़ के ये एकदम जैविक खाद बन जाती है और खेतों में डालने के काम आ जाती है, तो इसीलिए इकट्ठा करते हैं। खेतों में भी ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये खाद होती है, एक स्पेशल खाद है जो जैविक होती है, जिसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, और जैविक तरह से बनी हुई ये खाद होती है, और यही जाती है खेतों में हमारे। फिर हमारे खेतों में जो फसल उगती है इन्हीं के द्वारा उगती है, ये खाद होती है, एक स्पेशल अपना योगदान निभाती है खेतों में। और अब उठाते हैं इसको हम इकट्ठा करके ऐसे, और ये भी है, और बड़े सुन लो यहाँ जो हमारे भैंस को घास पसंद आती है उसका हाल ही ऐसा करता है गुस्से के मारे कि मुझे ऐसी घास क्यों दी करके, सबको अब उसकी पसंद का खाना देना पड़ता है। और इसे उठाते हैं आप, चलो ले। हम फेंक के आते तब तक आप ब्रेक कीजिए, हाथ धो लेते हैं। हमें तो इनसे कोई एलर्जी नहीं है। और हमने हाथ भी धो लिए हैं, पिला रहे हैं अपनी भैंस को गर्म पानी, गुनगुना पानी। ओ पियो 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 गुनगुना पानी ठंड पाओ हैं। जैसे हमें पानी की प्यास लगती है, वैसे इनको भी पानी की प्यास लगती है, तो इनको भी हम 3 से 4 टाइम पानी पिलाते हैं, है ना सर? बोलाओ ना, है ना? हाँ बोल, हाँ ये और उसको पानी नहीं मिल रहा, देखो कैसा कर रहा है परेशान। मुझे परेशानी आ गई कि मुझे पानी क्यों नहीं दिया जा रहा, तुझे गुस्सा क्यों आ रहा? मैं तो उससे बात कर रहा, गुस्सा मत लाओ, गुस्सा मत हो मेरी बान। एक टेक्निक बताओ आपको, जब आपको भैंस गुस्सा कर दे तो आप उसके सींग में ऐसे ऐसे खुली कर दे, बस वो सो जाएगा। देखो आप सो गया नहीं, तब से गुस्सा करता आप सो गया, ये देखा, ये टेक्निक है, टेक्निक। आप नहा भी रहा है पानी में से, नहाओ ठंड के दिनों में ज्यादा नहीं नहलाते हैं भैंस को, थोड़ा थोड़ा गंदगी निकाल दो, साफ कर दो, वरना क्या होता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ज्यादा ठंड होती है इसलिए। दोपहर के खाने का समय, और खाने में बना है भात और झोई, कड़ी चावल, झोई भात, और उसके साथ टकिया में मूली और हरी सब्जी,
और सभी लोग खा रहे हैं और हम भी खाते हैं और दक्षु भी खा रहा है। दक्षु खा रहा है, सही हो रहा है? ठीक है, तो हम भी खाते हैं और आप भी खाइए हमारे साथ। यह ठंडा ना, इसमें है गर्म। यह है आज के दिन का लास्ट बार इनको पानी पिलाना, क्योंकि अब इनका हो गया है समय अंदर जाने का। तो अभी ये पानी पी रही है, इसके बाद हम इन्हें अंदर बांधेंगे और फिर रात को भी ये हमें फिर से दूध देगी, जैसा सुबह होता है वैसे ही शाम भी होता है, है ना? तो चलो खोलो। इसे खोलते हैं पहले, पहले इसे खोलते हैं। यहाँ से इसको तो ऐसा करना है, खांसी होने लगी है, बहुत जुकाम हो गया मुझे तो। ऐसे और ये कहाँ रहा है? अपनी मम्मी के पास जा रहा है। ले इधर, हाँ ये भी खोलते हैं। चलो 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 अंदर भागो 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 चलो चलो अंदर आ रहे। ओए ओ नीचे आ रहे, ऊपर आ जल्दी, अंदर बांधते हैं। अब बांधने का मम्मी का है, मेरा नहीं है। और ये दिया है भैंस को बाद, और दिया है घास में नौवा, मतलब यानी कि मडवे की घास हो गया। चलो कई कई इकया 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 कई था इकई था इकई था। चलो अंदर भागो, चलो चल चल चलो 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 चल 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 चल। ये इनको इनको दिया है बाद और इनको दिया है बाद। चलो गुड नाइट, मिलते हैं अगली बार। समय हो चुका है शाम की चाय पीने का और ठंड से ठंड को दूर भगाने का। और क्या इसका और क्या है ये हाथ में? नमकीन खाने का। रात की सब्जी बनी है आज हमारी, गोभी गाजर आलू। कैसी लग रही आपको, कैसी लग रही आपको? तो क्या बोले? तो बोलो ना, आलू गोभी गाजर बनी आज की आज की सब्जी, सीधा ये बोलो। क्या बोला? मतलब गोभी गाजर आलू। उल्टा बोल दिया, बातें की हुई। लीजा मतलब लोग समझेंगे कि पहले गोभी बनाई, फिर मनाया गाजर, फिर आलू। अच्छा अच्छा, तो ये बता स्वाद कैसा हो रहा है, बता। मस्त हो रहा है। मैं आपके एक उंगली उठाऊंगा, मतलब बहुत ही अच्छा। दो उंगलियां थोड़ा सा गंदा और तीन उंगली मतलब सबसे गंदा। हाँ बहुत अच्छा है मतलब। और सभी लोग खा रहे हैं, ठीक ठाक बना है मतलब, बहुत ही गंदा बना है। सब्जी ठीक है। तो खाना पीना खा के हो गया है समय सोने का, तो हम सो जाते हैं। और थकान भी बहुत है, जुखाम हो गया, बहुत तगड़ा वाला जुखाम हो चुका है धीरू भाई को। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना जी? और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे आपके पास। तो आज के लिए राम राम, टाटा बाय बाय।